नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले, किसी भी देश के विकास में परिवहन का साधनों का अहम योगदान होता है। परिवहन के साधनों में हवाई सेवा भी शामिल है और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हवाई जहाज के संचालन के लिए एयरपोर्ट का होना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं भारत में कितने हवाई अड्डे हैं? तो चलिए अभी इस पर बात करते हैं। भारत में हवाई अड्डों का प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव व मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि हम भारत में वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत में एयर ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत वर्ष 1912 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान समय में AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में कुल 487 हवाई अड्डे हैं, जिनमें घरेलू यानी डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लोगों को हवाई सेवा का लाभ देश के आंतरिक भागों के अलावा पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार आदि देशों में अपनी सेवाएं प्रदान की जाती है। जनसंख्या के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन हवाई अड्डों की बात करें तो भारत अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स अमेरिका में हैं, जिसकी संख्या 13,513 के करीब है, जबकि दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है जहां 4,000 से ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। तीसरे स्थान पर भारत की तुलना में काफ़ी छोटा देश मेक्सिको है जहां 1700 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत में इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के नाम व उनके स्थान के बारे में। इससे पहले मैंने उन हवाई अड्डों को इसमें शामिल नहीं किया है जिनका नाम उस राज्य के राजधानी या किसी विशेष स्थान के नाम पर पड़ा हो, क्योंकि याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आसान होगा। हम उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम कुछ विशेष है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में है। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। डाओलिन हवाई अड्डा गोवा के डाओलिन शहर में है। रानी अहिल्याबाई एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के इंदौर में है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल के कोझीकोड में है। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र के मुंबई में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है। श्री गुरु राम जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब के अमृतसर में है। गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम के गुवाहाटी में है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमारो निकरबार में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात के अहमदाबाद में है। कंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के कोच्चि शहर में है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उदयपुर में है। दोस्तों, यदि आपको और भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों के बारे में जानने हैं या उनके नाम जानने हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल पर जाएं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची देख सकते हैं। धन्यवाद।